अगर आप अंधकार में हैं, तो प्रकाश की खोज क्यों नहीं करते? बुद्ध कह गए हैं कि पूरी दुनिया का अंधकार भी एक मोमबत्ती की रोशनी को खत्म नहीं कर सकता। यही रोशनी की प्रकृति है और यही इंसान की भी प्रकृति है, पर परिस्थितियों के हाथों ये अंधकार में विलुप्त हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि जैसे बच्चे अकारण खुश रहते हैं, हमें भी उसी स्थिति को अपने जीवन में जगाना है। क्योंकि अगर आप किसी कारण से खुश हैं, तो वो कारण खत्म होते ही आपकी खुशी भी अंत हो जाएगी। इससे निजात पाने का और इस खुशी को अपने जीवन में सदा रखने का एक सरल उपाय है कृतज्ञता। कृतज्ञता या शुक्रगुजार होना एक ऐसी शक्ति है जिसे अगर आप अपने जीवन में शामिल कर लें, तो जिस भी चीज के लिए आप आभारी होंगे वो बढ़ती जाएगी और प्रकृति हर रूप से आपका साथ देगी। इसको आप आज से ही आजमाना शुरू कीजिए और पहले मामूली चीजों के लिए इस्तेमाल कीजिए, जैसे सांस के लिए आभारी होना, जीवन के लिए आभारी होना। अक्सर हम चीजों की अहमियत तब समझते हैं जब वो खो जाती है, पर जिस व्यक्ति ने पहले अपनी कृतज्ञता रखी, उसके जीवन में कभी वो चीज नहीं खोएगी जिसके लिए वो आभारी है, वो शुक्रगुजार है। तो चलिए आज के ध्यान में इसी आदत को अपनाने का अभ्यास करते हैं। पहले कमर सीधी कर लें, एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, हाथ अपने गोद में रख लें, चेहरे पर एक मंद मुस्कान रखें, अपनी आंखें बंद कर लें और अब 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। हर सांस 4 गिनती तक भरेंगे, फिर 4 गिनती तक उसे रोकेंगे, अगले 4 गिनती पर उसे छोड़ेंगे और फिर से 4 गिनती तक रोकेंगे। आप भी मन ही मन ये गिनती करें और कभी भी मन अशांत हो तो आप इस तरीके से सांस लें, ये आपको जरूर आराम देगा। पहले भाग के लिए नाक से सांस अंदर खींचें, 1, 2, 3, 4। अब रोक लें इस सांस को, 2, 3, 4। अब 4 गिनती तक सांस को मुंह से बाहर छोड़ते रहें, 2, 3, 4। और सांस फिर रोक लें, 2, 3, 4। फिर से करें, सांस अंदर भरें, गिनते रहें, सांस रोकें, 2, 3, 4। मुंह से 4 गिनती पर सांस बाहर छोड़ें और रुक जाएं, 2, 3, 4। एक और बार लंबी गहरी सांस भरिए, 3, 4। रोकिए इसे, 3, 4। मुंह से सांस बाहर निकालें, 2, 3, 4। कंधे ढीले कर दें और अब रोक लें सांस। इसे आप जितनी बार दिन में करना चाहते हैं उतना अच्छा है। अब सांस को नियंत्रित नहीं करना, बस नाक पर ध्यान दें। धीरे धीरे सांस अपने आप अंदर और बाहर जा रही है। अपना ध्यान मेरी आवाज से जोड़े रखें। कभी भी ये ध्यान भटके तो सांस की गति पर ध्यान देना है। अब आपका शरीर एक आरामदायक स्थिति में आ चुका है। अपने शरीर पर ध्यान ले जाएंगे और अपना आभार इस शरीर के लिए व्यक्त करेंगे, जैसे धन्यवाद कीजिए इस सांस का जो आसानी से आपको मिल रही है और आपको जीवित रख रही है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ध्यान दीजिए कि किस तरह से आपका दिल, आपका मस्तिष्क, आपका खून, कोशिकाएं, हड्डियां, मांसपेशियां सब निरंतर आपका साथ देती आ रही हैं बचपन से लेके आज तक, और आपको जीवन का आनंद लेने में मदद कर रही है। तो इन्हें भी 3 बार धन्यवाद कहें। ध्यान दे उन परिजनों का जिन्होंने आपका बचपन में पालन पोषण किया है,
बचपन में हम सब असहाय होते हैं, केवल दूसरों पर निर्भर। यदि हम आज जीवित हैं तो सिर्फ उस देखभाल की वजह से, तो शुक्रिया अदा कीजिए उनका जिन्होंने आपका ध्यान रखा। शुक्रिया अदा कीजिए उस भोजन का जिससे आपको निरंतर शक्ति मिल रही है और वो आपके स्वाद को परिपूर्ण कर रही है। आभारी हो उस पानी का जो आपको पीने के लिए और खुद को हमेशा साफ रखने के लिए आसानी से उपलब्ध है। शुक्रिया करें अपने परिवार का, उन लोगों का जिनकी वजह से आपको हमेशा सहारा रहा। आभार व्यक्त कीजिए उन लोगों का जिन्होंने आपकी जिंदगी में हंसने के कई कारण दिए और अच्छा समय जिनके साथ आपने बिताया है। सांस पर ध्यान दें और सांस धीरे से छोड़ते हुए देखिए किस तरह की उमंग खुशी इस शरीर में भरने लगी है। अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलने के लिए हमें उन सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद करना चाहिए जो हमने अतीत में भोगी हैं, जैसे सोने का बिस्तर, सर पे छत, अपना स्वास्थ्य, सूरज की रोशनी, हवा, पानी, आज़ादी। धन्यवाद करें उस पैसे का जो आपके पास हमेशा रहा था, जिसकी वजह से आप वो चीज़ें खरीद सके जिनकी आपको ज़रूरत थी। धन्यवाद कीजिए कि आपके पास अभी भी अपना दिमाग और मन है जिससे आप अपने आप को हर परिस्थिति से विवेक पूर्वक निकाल सकते हैं। हर समय जब भी किसी ने आपकी मदद की है, उन लोगों का ध्यान करके उन्हें मन ही मन शुक्रिया कहे और चाहे कि इस तरह मदद आप तक आसानी से सदा पहुंचती जाए। अब कुछ पल आप खुद कुछ ऐसी चीजों को सोचें और आभार व्यक्त करें उन चीजों के लिए। हर वाक्य के अंत में 3 बार धन्यवाद जरूर कहें। आप जितना अपने आसपास इस पल में आभारी होने के कारण ढूंढेंगे, आपका मन उतना ही और ऐसी चीजों को आपकी जिंदगी में आकर्षित करेगा जो आपको खुशी देंगी। हर क्षण ढूंढना है, मैं और किस चीज के लिए आभार व्यक्त कर सकता हूँ? ऐसा क्या है जिसके लिए मैं आभारी हो सकता हूँ? जितना ज्यादा आप इसे करेंगे और कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे, उतनी ही तेजी से आपकी जिंदगी अतीत की बेड़ियां तोड़ के एक खूबसूरत भविष्य की ओर चलने लगेगी। मदद, मार्गदर्शन कहाँ से आ सकता है, ये सब उस दिव्य शक्ति के काम है, तो उसे करने दीजिए। आप सिर्फ उन चीजों के लिए आभारी हो जो आपके पास है या थी। उनको सोचकर मत दुखी हो जो आपको नहीं मिली, तो इसे रोज हर पल करें। अब बस कुछ क्षण हम इस शक्ति को अपने अंदर बहने देंगे, बिल्कुल शांत। अब धीरे धीरे अपना ध्यान वापस अपने शरीर में ले आएं, अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखें। संकल्प लीजिए कि मैं आज से आभार को अपने व्यवहार में रखूंगा। एक नई उमंग, एक नई ताजगी अपने शरीर में बहने दीजिए। अब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और इन्हें आंखों पे रख लें। अब धीरे से आंखें खोलिए। स्वागत है आपका।